फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। टाटा मोटर्स शेयर के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए अच्छी क्लोजिंग क्या है। अच्छी क्लोजिंग थी 151.45 की, 3.05 रुपये शेयर बढ़ा है। 2.06% शेयर में आज हमें इंक्रीज देखने को मिला है। दोस्तों, तो बात करेंगे कल कैसा रहेगा शेयर, क्या यहाँ से तेज़ी और बनेगी कि गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब देखिए, आज दोस्तों इसका क्लोजिंग थी 151 की, और देखिए जो लो था, हाई था वो था 154 का। तो आप कह सकते हैं अपने हाई से लगभग 3 रुपये शेयर में आपको डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गिरावट आई थी वो बिल्कुल एंड में आई है गिरावट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कल मुझे लगता है गिरावट का सेशन यहाँ पे रह सकता है कल इसमें शेयर में। देखिए यहाँ पे कल मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको कल भी वीडियो बनाया था, मैंने कहा था देखिए टाटा मोटर्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और देखिए आज लगभग 8 रुपये की रैली देखने को मिल गई है आपको। 8 रुपये तक शेयर में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल चुका है। और देखिए मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ गिरावट में। आपको इसको हर बार खरीदना है शेयर को, क्योंकि शेयर देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और देखिए अब कह सकते हैं इस महीने में शेयर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिखाया है। अब देखिए आज के चार्ट पे नज़र डालें तो क्या हुआ है। आज का अगर हम चार्ट देखें, देखिए यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा आपको आज का, तो देखिए गिरावट कब आई है, बिल्कुल लास्ट में। अब देखिए बिल्कुल अच्छी लाइन बन रही थी, लेकिन देखिए थोड़ी सी गिरावट लास्ट में आई है शेयर में। तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट कल कंटिन्यू रह सकती है। देखिए शेयर में अभी भी तेज़ी का कायम आपको लेना चाहिए। देखिए गिरावट है, देखिए यहाँ पे खरीदिए स्टॉक को। देखिए जो ब्रोकरेज हाउस है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है स्टॉक पे। और देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बस इसका एक रेजिस्टेंस है जहाँ से ये गिरता है। देखिए इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा रेजिस्टेंस क्या है 155 का। अब देखिए 155 से बार बार करेक्ट हो जाता है शेयर और डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 155 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसका सब ब्रेक होने की बिल्कुल कोशिश हो रहा है। देखिए ब्रेक रोज आता है पर वहाँ से ब्रेक नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जब भी शेयर में आप कह सकते हैं ब्रेकआउट होगा 155 के बाद होगा। अब देखिए एक महीने में शेयर ने क्या किया है। अब देखिए एक महीने में शेयर अपने डाउन से कितना ऊपर आ चुका है, अराउंड 22% रिटर्न दे चुका है आपको शेयर। कितना 22% रिटर्न दे चुका है आपको ये शेयर एक महीने के अंदर। कहाँ से चला है, अब देखिए 120 से शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। और आप कहाँ मिल रहा है आपको 151 पे। तो देखिए शेयर में आप कितना अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। अब देखिए कल क्या रहेगा हम देख लेते हैं, उससे पहले टेक्निकल्स पे ज़रूर नज़र डालेंगे। अब देखिए टेक्निकल्स क्या है, देखिए लास्ट मिनट जो आपको कह रहा था गिरावट के संकेत हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 12 सेल 6 बाय, तो देखिए यहाँ पे 12 सेल 6 बाय है। यहाँ पे ऑसिलेटर्स ने न्यूट्रल रहने की सलाह दी है, पर मूविंग एवरेजेस ने दोस्तों थोड़ा माहौल बिगाड़ा है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी है। तो यहाँ पे आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कल आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ 145 से 150 के बीच में शेयर को ज़रूर खरीदिए। आपको देखिए अगर अगले महीने में मुझे लगता है इस शेयर में 155 का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो शॉर्ट कवरिंग में आपको 170 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। 170 तक के टारगेट्स आपको नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखिए गिरावट में खरीदने के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर अगर जब भी गिरावट हो, कल जैसे गिरावट हो, तो यहाँ पर आपको शेयर में बाइंग ज़रूर करनी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस की बात ज़रूर कर लेते हैं। आपको हर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो देखिए क्या है, 142 यहाँ पे दे रखा है। लेकिन देखिए 136 से अभी भी ऊपर आया है, तो आपको समझना पड़ेगा 136 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शेयर का। ये टूटेगा, अगर ये गिरेगा यहाँ से तो शेयर में गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। तो 136 पे आपको समझना है कि 136 से अगर ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे तेज़ी का रुख कायम होगा। लेकिन देखिए 136 से नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर ऊपर का अगर हम रेजिस्टेंस बात कर ले तो देखिए 155 का है। देखिए आज भी 155 तक नहीं पहुँच पाया, तो आप समझ लीजिए 155 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से बढ़ता है तो शेयर में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए जो ऊपर है वो मैंने जैसे आपको बताया 170 तक आपको शॉर्ट कवरिंग में इसमें आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में इतना था, ओवरऑल टाटा मोटर्स को बाय करिए और देखिए दिवाली तक आपको शेयर कहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।